नमस्कार दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं रनिंग सर्किट है और ये 8 mm एलईडी बल्ब है। ये देखिए पास से देखिए, बिल्कुल ये 8 mm एलईडी बल्ब है, ये 5 mm एलईडी बल्ब है और ये है वायर। ये वायर का नंबर है 1076 और ये कैप होल्डर है, ये वाइट में है और ये ग्रीन पे है। तो इस साल मैंने मार्केट से ख़रीदा हुआ है ये 1000 कैप, 200 रुपये का कैप होल्डर, 1000 रुपये मिलेगा। ये 8 mm 500 जो एलईडी बल्ब हैं ग्रीन कलर के हैं, ये देखिए लिखा है इसमें, ये 8 mm और 500 पीस लिखे हैं, ठीक है। इसमें 600 उन्होंने बना दिया, तो पर 600 नहीं, ये 500 पीस है, क्योंकि दुकानदार ने मुझे बताया था 500 पीस है और इसका 250 रुपये रेट है। और ये 50 रुपये में जो सर्किट मिली है, ये डिब्बी सहित मिली है मुझे रनिंग की। तो ये मैंने ख़रीदा अपने पास के कानपुर मनीराम बगिया से। तो अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो आप अपने पास के इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट से खरीद सकते हैं और जानकारी कर सकते हैं कि वहाँ का क्या रेट है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ना कोई सेलर हूं ना कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं जो आपको हर साल इस झालर का बेसिक रेट बता देता हूं, ताकि आपको अगर बनाना है तो आप 100 200 बल्ब की बनाना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा हमारा कितना एवरेज आएगा। फिलहाल ये आप जो ये 3 आइटम देख रहे हैं, एलईडी बल्ब, कैप होल्डर और ये मैंने 500 रुपये खरीदा है। और तार का जो बंडल आता है वो आ रहा है इस समय 180 रुपये का, पिछले साल ये इसका रेट था 150 रुपये का। तो ये तार नंबर है 1076। तो आइए चलिए पूरा वीडियो मैं आपको ले चलता हूँ मनीराम बगिया पे और आपको दिखाता हूँ कि दुकानदार की जवानी क्या रेट था। तो चलिए आपको ले चलता हूँ मैं वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीष और आज मैं आपको लेकर आया हूँ मनीराम बगिया में। मनीराम बगिया जहाँ कानपुर और इसके आसपास के इलाकों में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का कम सामान उपलब्ध होता है, यानी कि आप कोई भी सामान इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का ले सकते हैं इस मनीराम बगिया में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं झालर के कुछ नए रेट कोरोना काल के बाद के। तो बने रहिए पूरे वीडियो पर और देख रहे हैं आप मेरे आसपास जो कि ये दुकानें दिख रही हैं, मार्केट दिख रही है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं। और यहाँ पे आगे जाम लगा है तो मैं एक जगह एक स्क्रू ड्राइवर खरीदूँगा। और आप वीडियो पे देख रहे होंगे ये जो झालर दिख रही है दोस्तों, ये दोपहर का टाइम था और मैं गया था अपने साइकिल से। तो मैंने क्या किया कि वीडियो को बनाने के लिए मोबाइल को अपनी जेब पे ऊपर वाली पे रख लिया था, ताकि मुझे अगर मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ूंगा तो मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत होगी और एक हाथ से साइकिल, या तो इस बाज़ार में जाएं तो गाड़ियों गाड़ी से न जाएं, साइकिल से जाएं, या तो साइकिल पार्किंग पे कर दें। तो चलिए मैं एक मुझे यहाँ से स्क्रू ड्राइवर लेना है तो मैं ख़रीदता हूँ एक स्क्रू ड्राइवर। ये वाला कितने का भाई? ये अगर आपको ज़्यादा सामान लेना है तो आप मोल भाव कर सकते हैं और आपको अच्छे दामों पे सामान मिल जाएगा। तीस रुपये देख ले रहे हैं दोस्तों। यहाँ से हमने एक स्क्रू ड्राइवर खरीद लिया है, अब चलते हैं आगे और आपको देखते हैं किसी झालर की दुकान पे जाकर आपको रेट दिखाते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और अगर आपको कोई सामान चाहिए तो आप अपने पास के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से जाके खरीद सकते हैं। तो मुझे ये दुकान दिखी है और मैं यहाँ पर आपको रेट लेता हूँ, फिर आपको रेट बताता हूँ वीडियो पर। एलईडी बल्ब का पैकेट कितने का? सिंगल कलर 500। सिंगल कलर 250 बढ़िया क्वालिटी के बल्ब होगा, जल्दी गारंटी। नंबर एक क्वालिटी का बल्ब होगा नहीं, 5 mm की बात है। 5 mm में नहीं है, 5 mm का आता है 1000 पीस का। वो कितने का आता है? वो आपका आएगा 500 रुपये का, 1000 चलने की पूरी गारंटी है। हाँ हाँ अच्छा वाला, अच्छा वाला लो ना, 400 रुपये का गारंटी। कितने
कितने रुपए बताया आपने? 250 का पैकेट है कौन सा? 5 एम का मांगे ना, बड़ा वाला 5 एम, 5 एम, 5 एम का 1000 पीस का पैकेट 500 रुपए, 1000 पीस का 500 रुपए का, ये 8 एम 250 रुपए का पैकेट 500 पीस बढ़िया बस हो गया, कोई शिकायत नहीं है। ये सर्किट फेड गई है, बताएं आप। एक निकाल दो सिंगल कलर का, सिंगल कलर का कौन सा? 8 एम 5 एम, 8 एम, 8 एम का पैकेट हो गया, वो बताइए। और ये बंडल कितने का? इस समय 200 रुपए का पैकेट 1000 पीस का, 200 रुपए एक कर दो, ये पैकेट ये कर दिया, वो बताइए। और सर्किट है क्या? झाल है 10 रुपए की नहीं, और उससे भी कोई और डायबोर्ड आता है? फिर आप बनाइए डायबोर्ड, डायबोर्ड वाला बना पाओ तो इससे सस्ता थोड़ी मिल जाएगा। नहीं नहीं, मतलब और भी कोई चेंजिंग में कलर? चेंजिंग में कलर का मतलब नहीं होता है, नहीं मतलब वो जो रनिंग पे पट्टे आते हैं ऐसा होता है, पट्टा ही होता है, वो बल्ब होता है, जैसे एलईडी बल्ब 4 कलर के लगा दिए, पट्टे बनाने आपको क्या करना है? अरे हमें सर्किट बनानी है बढ़िया, रनिंग पे, रनिंग पे चाहिए, रनिंग पे चाहिए ना, रनिंग की सर्किट प्लेट आती है वो 50 रुपए की, दिखाइए है। और क्या देना? तुम्हारा काम हो जाइए, हम तो उठा के कपड़ा फेंक देवे, तुम्हारे 8 रुपए में भला बन जाएगा, बना लिए कितने दे दे? 10 दे दे। अरे सब लिए जाओ, हमारे कबाड़ कहाँ कपड़े, बस यहीं पर फेंक दे, तुम्हारा बन जाएगा 8 रुपए बल्ब, को अपना नुकसान कर रहा है, 8 रुपए तुम्हारे बल्ब बन जाएंगे, तुम्हारे भले 10 बनाओ तुम कहो बेकार छोड़ जाए, ले आते हमारे तो कूड़ा है ना, ले ले। ये 50 रुपए की है, 8 रुपए तुम्हारा बल्ब बन के तैयार, फुर्सत बना जाए, जब जब फुर्सत बैठो तब बना लो, साले घर में लगाए रहो, फेंके रहो। ये 50 की है, चलो एक पीस लिखो फिर ट्राई करते हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करिए। भाई तार का बंडल कितने का है? 180 रुपए का, तीन पीस, तीन की आइटम, बस तीन आइटम, एक ये करें ना, हाँ ये बल्ब एलईडी वाला, ये हाँ भाई आप बताएं बड़े भाई, आयरन चाहिए, आयरन वाला तार चाहिए था, 550 रुपए किलो भाई, अरे ये नहीं है, ये तो रहा था बिल्कुल पतले में, इससे पतले भाई कितना पतला होना चाहिए, और इससे पतला था भाई, इससे पतला नहीं बना, देख लो बना नहीं है भाई, हमारा ये कहो मेरे पास है नहीं, देख लो भाई ये देख लो, एक सवा किलो में 180 मीटर तार है, पास तार का है, इससे पतला को मिल जाए तो उनमें पास तार हो, तार के ऊपर होता है कितने कम तार हो, वो पतला होता चला जाएगा, ये 7 तार का है, 125 किलो में 180 मीटर तार है, आप उससे आप ना लो, हम आपको दे नहीं रहे, आप उससे पूछना जरूर कि 125 किलो कितना निकलेगा, तब हमारी बात आप मानिएगा। अच्छा जो इसमें तार लगता है इसका नंबर कितना होता है? 1076, 1076 500 ग्रीन कलर की दीजिएगा, ग्रीन कलर की जो वो बांध ले, वहाँ ग्रीन कलर की आपको, हाँ डिब्बे भी ग्रीन चाहिए, 1000 होगा ना पूरा? हाँ 1000, लो 70 है वही बात है, बांधने के लिए देना, ये पैकेट आपको कैप देते, ये पैकेट आपको बल्ब देते, सर्किट देते, ठीक है भैया? और झालर वाला सर्किट नहीं चाहिए? झालर वाला सर्किट ले जाओ, और सारा तार पिछली बार का, पिछली बार तो 150 रुपए रेट, इस बार बढ़े हुए हैं।
12 बजे अगर पहुँचा दे ठीक है ना भैया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आप ये देख रहे हैं ये झालावीपुरी मार्केट है, और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और मैं अब बाहर आ गया हूँ। धन्यवाद।